अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 29 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू सिक्योर योर डेटा इन इंटरनेट क्लाउड स्टोरेज और हाउ टू गेट अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस फॉर डेटा। आज के लेसन में हम देखते हैं कि आप अपने डेटे को स्टोर कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर कैसे कर सकते हो ताकि आपका डेटा हमेशा महफूज रहे और आप अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस कैसे ले सकते हो। तो इसका तरीका कार यह है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको एक स्टोरेज फैसिलिटी देती है जो कि ऑनलाइन ड्राइव जिसका नाम है इसमें। तो ऑनलाइन ड्राइव जो है इसके अंदर जब भी कोई डेटा सेव रखोगे, इस ड्राइव के अंदर जब भी डेटा सेव रखोगे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा आपकी साइट में। ऑनलाइन ड्राइव जो साइट है वो ये है, सॉरी वन ड्राइव जो है ये तकरीबन 15 GB तक आपके डेटा आप डेटा स्टोर कर सकते हो इसके थ्रू। आपने साइन इन करना है, इसमें साइन इन के लिए ईमेल दें और आउटलुक का मैंने अकाउंट बनाना आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है वो कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बनाना बताया था। तो यहां पर मैं लिखता हूँ मेरा अकाउंट है, नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से वन ड्राइव। पासवर्ड देता हूँ यहाँ पे मैं, ओके पासवर्ड सेव कर। अब मेरे पास ऑन ड्राइव यहाँ पे ओपन हो गया है और यहाँ पे देखें फिलहाल कुछ भी मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ इसमें। GB स्पेस मेरे पास अवेलेबल है अभी। आप इसको डिलीट करना चाहें, जो चीज़ें आपने यहाँ पे नहीं डाउनलोड की हुई सिलेक्ट करें और इनको आप डिलीट कर दें। डिलीट, ओके। अब मेरे पास फिलहाल ऑनलाइन ड्राइव में कोई भी डेटा नहीं पड़ा हुआ। अब इस में डेटा सेव करने के लिए आपने क्या करना होता है, आप यहां से डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं, अपलोड पे क्लिक करें, फाइल फोल्डर पूरा अपलोड करना चाहिए तो पूरा फोल्डर आप सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं और फोल्डर जो यहां पे आपके पास मौजूद होते हैं इनको डाउनलोड करना चाहिए, जरूरत जब आपको पड़े तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अपना डेटा जो है, आप जब भी अपना डेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेस्कटॉप में पिक्चर है दो, कॉपी करता हूँ इनको, मैं इनको वन ड्राइव के अंदर मैं इनको सेव कर देता हूँ। साइन इन करें आप, साइन इन। तो ये ड्राइव आपने डाउनलोड करनी है, तो ड्राइव को अपलोड करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ये से वन ड्राइव को आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप ये काम कर सकते हो। ये विंडो 10 में ऑटोमेटिकली आपके पास सामने रहती है। तो इसको ड्राइव को डाउनलोड करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जाएंगे और यहाँ से आप वन ड्राइव को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में जाए, वन ड्राइव को आप सिलेक्ट करें और डाउनलोड वन ड्राइव पे क्लिक करें यहाँ पे और आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप जब इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका एक फोल्डर बन जाएगा जो कि आपके पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है। इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ पिक्चर जो मैंने पेस्ट किए हैं, अब ये आप देखिएगा तो ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। तो ये वन ड्राइव का फंक्शन है, आपने जो भी मैंने पिक्चर यहाँ पे जो पिक्चर भी मैंने वहां पे पेस्ट किए तो वो मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाएंगी।
जब तक वो अपलोड होती है। ओके, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी इसी तरह आपके पास साइट्स हैं जिनमें आपके पास वन ड्राइव के बाद जी आपके पास वन ड्राइव है और डिगो स्टोरेज है, ये आपको 100 GB तक स्टोरेज आपका 100 GB तक आपको स्टोरेज एबिलिटी देती है। तो मेरे पास अकाउंट था जीमेल का, जीमेल से डायरेक्ट ये साइन इन हो गया। अगर आप यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इसको लॉग आउट करता हूँ, अगर आप लॉग इन नहीं है digo.com में जाएंगे, यहाँ पे ईमेल देंगे और पासवर्ड देंगे, और ईमेल पासवर्ड आप अगर चाहते हैं लॉग इन माई गूगल अकाउंट से आप लॉग इन हो जाए तो यहाँ पे लॉग इन माई गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, लॉग इन योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। डेगो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप जब इंस्टॉल करेंगे आप देखिए यहाँ से ही आपका सहेलो तैमूर के नाम से आ गया और 100 GB स्पेस इसने मुझे दिया होगा। 100 GB तक मैं अपने डेटा को सेव कर सकता हूँ। इसको भी आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपका फोल्डर बन जाएगा। आप फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें सेव रखेंगे वो ऑटोमेटिकली अपलोड होती रहेंगी। आप चाहते हैं कि आपका स्पेस जो है तो बढ़ता रहे, मीन आपका स्पेस जो है ये तकरीबन 500 GB तक आपको फ्री स्पेस मिले, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे डीगो में। जितने ज्यादा फ्रेंड आपके पास ऐड होते जाएंगे आपके पास उतना ज्यादा स्पेस बढ़ता जाएगा, और पर फ्रेंड जो है आपके पास 3 GB तक स्पेस बढ़ेगा। और जब आप बहुत ज्यादा फ्रेंड अपने ऐड कर लेंगे, अब उनको आप यहाँ से इन पे आपके फ्रेंड यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको 500 GB तक स्पेस मिल जाएगा। तो 500 GB बहुत ज्यादा स्पेस होता है आपके लिए। उसके बाद अपने अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड में क्या है कि आप अगर बैकअप के लिए प्रोफेशनल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो $2.99 पर मंथ आप दें और आपको 250 GB स्पेस मिल जाएगा, 2000 GB भी आपको स्पेस मिलेगा उसमें, जितना आपने अमाउंट सबमिट करवानी है। अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, इनवाइट के लिए यहाँ पे लिखें मोर वे टू इनवाइट, क्लिक करें यहाँ पे इनवाइट विद मेल, और आपने यहाँ से कॉपी करना है इस लिंक को। कॉपी करने के बाद जिस फ्रेंड को भी आपने इनवाइट करना है उसको ये लिंक से सेंड करना है। वो लिंक जब उस फ्रेंड को मिलेगा वो इस पे क्लिक करेगा और डायरेक्ट डीगो में आ जाएगा, और वो आपके अकाउंट में आपका जितने ज्यादा आपके सॉरी आपके जितने ज्यादा फ्रेंड ऐड होते जाएंगे आपका इतना ज्यादा स्पेस मिलता जाएगा। तो आपने ये वाला लिंक उनको सबको सेंड करना है। तो ये था डीगो। इसके अलावा और भी हैं, इसके अलावा और भी काफी सारे हैं, आप यहाँ पे गूगल में जाके सर्च कर लें। तो डीगो जबरदस्त है यहाँ पे आपके लिए, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा आपको दे रहा है। और यहाँ पे आप चाहें स्टोरेज स्पेस ऑनलाइन क्लिक करें, देखें आप यहाँ पे आपके पास ये भी है, एक साइड है और ऑनलाइन स्टोरेज भी एक साइड है, इसमें से आप कर सकते हैं। लाइव ड्राइव भी एक साइड है और क्लाउड स्टोरेज में आपके पास ये भी है जस्ट क्लाउड, ये काफी सारी साइड है। आप इनमें से देखें, हर एक साइड का अपना अपना फंक्शन है, हर एक साइड से आप खुद अपना डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो क्लाउड लॉग इन करेंगे तो यहाँ से आपको स्पेस मिलता जाएगा, ये भी आपको स्पेस दे रहा है। क्लाउड स्टोरेज है, ये भी आपको स्पेस दे रहा है। तो आप अपने डेटे को हमेशा के लिए सेव रखने के लिए आप यहाँ पर देखें काफी सारी साइट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने डेटे को हमेशा सेव रख सकते हैं। तो ये कितना स्पेस आपको देते हैं ये आप सर्च कर लें और अपना अकाउंट बनाएं डेगो में या गूगल ड्राइव में या वन ड्राइव में। गूगल ड्राइव भी है, गूगल ड्राइव भी एक है उसमें भी आप गूगल ड्राइव में भी आप वो कर सकते हैं, अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। ये गूगल ड्राइव है, इसके अंदर भी आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। आपको फाइल वगैरह के लिए स्पेस देता है, ये भी 15 GB तक आपको स्पेस देता है।
इसको भी डाउनलोड करना है, करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इसमें आप स्पेस अपना जितना भी डेटा आप इसके अंदर सेव रख सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शन है आपके कि आप डेटे को कैसे सेव रख सकते हैं, अपने डेटे को हमेशा के लिए कैसे सेव रख सकते हैं कि आपका डेटा लॉस ना हो जाए। अगर वायरस से हो जाता है या आपकी पार्टीशन फॉर्मेट हो जाते हैं तो आपका डेटा लॉस हो जाता है। तो आप अपने डेटे को लॉस होने से बचाते हैं, बचाना चाह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन स्टोरेज कर लें, क्लाउड स्टोरेज कर लें अपने डेटे को, और आप अपने डेटे को हमेशा महफूज रखें। एंड चल, आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे कुछ और टॉपिक साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।